बरसों का इंतजार बस इतना सुनने के लिए कि हाँ मैं तेरा पिता हूँ। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको, एनडी तिवारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बेटे रोहित शेखर के साथ। आप सबको बहुत धन्यवाद। अरे वो सब खत्म हो गया हमारे लीडर और अरे नीचे कर लो अश्विनी, चक्के लगे ना भाई, कैसे मेरा बच्चा है। अरे यार माइक लगा अरे एक मिनट कह रहे कुछ कह रहे थे क्या उत्तराधिकारी के बारे में आपने कहा कि कुछ है आपने सुना? आप एक बार और उसको दोहरा दीजिए। एक बार और सुना दोहरा दीजिए। आपकी आवाज इतनी अच्छी है। हाँ तो आप अपनी आवाज में आप दोहरा दीजिए। आपकी भी आवाज अच्छी है दीवानी। आपके मुखार भी मुझे सुनना चाहते हैं। आप और मेरे में बैठ रही तो इनसे क्या, ये खाली कह रहे हैं कि क्या कोई उतरा का बेटे आप उत्तराधिकार कोई आप पे मैंने दबाव डाला कभी, कोई आपसे बात की मैंने गलत? मैं आपसे कल मिला हूँ तो कोई उत्तराधिकार आपको जो आपकी इच्छा आप दे दीजिए। आप कही नहीं उत्तराखंड, आप कह दीजिए नहीं है इसका, कुछ नहीं है इसका, कह दीजिए आप ही नहीं कह दीजिए। क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड, ये कह रहे हैं मित्र कह रहे हैं उत्तराखंड जो भी है जो भी है होता है उत्तराधिकारी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते? कह दीजिए नहीं है। कौन कह रहा है उत्तराधिकारी नहीं है? आप ठीक है ठीक है, जबरदस्ती मत करिए, जबरदस्ती मत करिए। हाँ 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 ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो मानने वाला होगा उतना क्या, उसको ही काफी है। मैं इसको बेटा कहती हूँ, नेचुरल उत्तराधिकारी है मेरा। आपके मन में है और मेरे मन में भी यही सवाल अभी तक है, एक बार उनसे पूछ लीजिए। उनका जवाब हम लोगों को मिल गया है। अब आपसे सवाल है कि अब आप क्या करेंगे? वो ईमानदारी से अगर मेरी माँ को सम्मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं मेरे, तो सब खत्म है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से मेरे कोई बुरा नहीं चाहता उनके लिए, एक शब्द नहीं बुरा चाहता। आपकी क्या बात हुई थी कल जब आप मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा था आपसे कि आपको स्वीकार कर रहे हैं सारी बातें, कानून कोर्ट में जाएंगे? मैंने कल क्या बात हुई थी? मेरी बात कुछ नहीं होती भाई साहब, मैंने कुछ बात ही नहीं की। मैंने खाली ये कहा कि अगर आप मानते हैं तो खुले मन से मानें, क्योंकि ऐसा केस कभी आया नहीं है। और एक अच्छा उदाहरण जाने दीजिए, कम से कम आपके मेरा झगड़ा हुआ, आपने जो भी हुआ तो उससे एक उदाहरण तो हुआ, कोर्ट में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, कोर्ट के सामने भी आया है केस। कोर्ट ने हमें मान करना होगा कि आदरणीय हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े इसमें फैसले दिए हैं, कोई पढ़े ऐसे जाके। तो मैं चाहता हूँ कि कानून के जो भी ये सवाल उनसे पूछे आप। एनडी तिवारी, आखिरकार कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी ने मान लिया रोहित शेखर को अपना बेटा, और यही एक लड़ाई थी जो रोहित शेखर लंबे वक्त से लड़ रहे थे। कई बार आपा भी खोया, कई बार गुस्से में आए, लेकिन आज अपने पिता के हाथों को चूम रहे हैं और आशीर्वाद के साथ ही एक आगे का भविष्य भी है पूरा उनका। लेकिन सवालों के घेरे में रहे एनडी तिवारी साहब, मानना पड़ेगा किसी भी टेलीविजन सीरियल से कहीं ज़्यादा ड्रामे उनकी ज़िंदगी में हुए, जहां पर रोहित शेखर सामने आए, कहा बेटा है, डीएनए टेस्ट के लिए कहा कोर्ट ने, डीएनए देने को तैयार नहीं थे एनडी तिवारी साहब। अब जाकर बरसों की लड़ाई के बाद माना है कि उन्हीं का डीएनए है, उन्हीं के बेटे हैं रोहित शेखर। 2008 से पितृत्व की ये लड़ाई लड़ रहे थे रोहित शेखर, और तमाम बार टेलीविजन चैनल्स पे सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ को सम्मान मिले और मुझे पिता का नाम मिले, और वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। लेकिन आज बहुत दिलचस्प बात हुई, उसके बाद भी उत्तराधिकारी का सवाल आया, उस पर बेटा बोलने लगा, कह दीजिए नहीं है, पर एनडी तिवारी साहब ने लास्ट में हाँ हाँ कम से कम 8-10 बार बोला, जैसे खुद को ही यकीन दिला रहे हो। तो चलिए, रोहित शेखर को मिल गए पापा, और इधर एक ऐसे मामले का हुआ निपटारा जिसमें
एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक ऐसे नेता जो तमाम मंत्री पद पर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, वो डीएनए टेस्ट करने से जब इनकार करते रहे तो मामला समझ नहीं आता था। सुनाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं, बड़े ऐसे जाके चाहते हैं कानून के जो भी ये सवाल उनसे पूछिए, आपके मन में है, मेरे मन में भी यही सवाल अभी तक है, एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनका जवाब हम लोगों को मिल गया है। अब आपसे सवाल है कि अब आप क्या करेंगे? वो ईमानदारी से अगर मेरी माँ को सम्मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरे तो सब खत्म है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से मेरी कोई